दोस्तों, ऊंट जिसे भगवान ने हमारे लिए वरदान के रूप में भेजा है, क्या यही ऊंट मरने के बाद इतना खतरनाक हो जाता है कि हमारी जान ले सकता है? तो इन्हीं सारी बातों को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को इसी वीडियो में बहुत रोचक बातें बताऊंगा और कुछ हंसी की भी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ऊंट के पैर बहुत ही अनोखे होते हैं, जिसके कारण आसानी से रेत पर चल पाते हैं। यह जानवर अपने कूबड़ के लिए जाना जाता है, लेकिन इनका कूबड़ जन्म से नहीं होता है। जब एक ऊंट खाना खाने जितना बड़ा हो जाता है, तब उसका धीरे धीरे कूबड़ बढ़ने लगता है। और सबसे अजीब और डरावनी बात आपको बता दूं कि ऊंटों को जिंदा सांप खिलाया जाता है, क्योंकि इनके शरीर में एक खास तरह की बीमारी होती है, जिनकी वजह से उनका पूरा शरीर अकड़ जाता है। इसी बीमारी से बचने के लिए ऊंट पालने वाले लोग ऊंट को जिंदा सांप खिलाते हैं। दोस्तों, इन्हें रेगिस्तान में जीने की आदत है और इस वातावरण के हिसाब से इनकी भौंहें 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, ताकि इनकी आंखों में रेत ना घुस जाए। और उनके कान के बाल भी इसी वजह से लंबे होते हैं। और इनके पानी पीने की क्षमता की तो बात ही ना करो। जब इन्हें पानी मिलता है, तब ये करीबन 151 लीटर पानी एक ही साथ में पी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये केवल पानी ही नहीं पीते, बल्कि हमारे लिए अपनी पीठ पर कम से कम 181 किलो जितना सामान भी उठा लेते हैं। और दोस्तों, ये ऐसा जानवर है जो बहुत कम अकेले रहना पसंद करता है। इसके दौड़ने की बात की जाए तो यह एक घंटे में 40 मील दौड़ सकता है। वैसे तो आप लोगों ने गाय और भैंस का दूध तो पिया ही होगा, लेकिन आज हम आपको ऊंट के दूध के बारे में बताएंगे। गाय के दूध से ज़्यादा ऊंट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कम फैट पाया जाता है। ऊंट के दूध में बहुत सारा आयरन, विटामिन और मिनरल पाया जाता है। सबसे खास बात यह है कि ऊंट के दूध का दही नहीं जमता। क्या आप भी ऊंट का दूध पीना चाहेंगे? हंसी की बात यह है कि ऊंट थूकते हैं, लेकिन जब तक उन्हें उनकी तरफ कोई खतरा महसूस ना हो। तो दोस्तों, वक्त हो चला है जानने का कि ऊंट मरने के बाद में इतना खतरनाक क्यों हो जाता है। दोस्तों, जब कोई ऊंट मरता है तो उसके कूबड़ में मौजूद फैट पानी से मिलकर रिएक्ट करने लगते हैं और एक भयानक एसिड और गैस में बदल जाती है, जैसे कि मैथेन गैस। और ये रिएक्शन अंदर ही अंदर होती रहती है। जैसे ही कोई बाहर से चीज़ उसे टच करती है, वह बम की तरह फट जाता है। अजोर अजीब प्रकार की गंध वाली गैस फैल जाती है, जो कि हम लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।